शहर के सबसे व्यस्त इलाके कटोरताल पर देर रात हुए विवाद में एक युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी है। घटना में अपने दोस्त को बचाने गए दो अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना देर रात की है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाते हुए घायलों को उपचार के लिए JH चिकित्सालय में भर्ती कराया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सनसनी के हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपियों की शिनाख्त भी कर ली है। बताया गया कि मृतक आभास शर्मा भी अपने विवेक दीक्षित के साथ एक भंडारे में खाना खाकर लौट रहा था। यहां और कटोरताल पर स्थित चौपाटी में कॉफी पीने के लिए गया, लेकिन वहां वाहन खड़ा करने को लेकर कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि झगड़ रहे युवक इकट्ठे हो गए और चाकू और सरिये आदि हथियार निकाल लाए। हमलावरों ने आवास उर्फ शिवांश और विवेक को घेर कर उन पर चाकू सरिये एवं लाठियों से हमला कर दिया। जैसे तैसे विवेक दीक्षित ने पास में ही अचलेश्वर मंदिर पर आयोजित भंडारे में मौजूद शिवांश के बड़े भाई आयुष शर्मा को फोन लगाया और मदद मांगी। आयुष शर्मा अपने दोस्त वसल गर्ग के साथ मौके पर पहुंचा तो हमलावरों ने उन पर भी चाकू सरिये और लाठियों से हमला कर दिया। घटना कुछ नहीं है, बच्चे थे घर में, भंडारा चल गया था, कोई मित्र आ गया था उसका, उन्होंने चलो थोड़ा सा चाय वाय पी आते हैं, तो ये लोग कटोरताल की तरफ चले गए थे। बाद में जो जानकारी पता पड़ी, वहाँ बैठे हुए थे गाड़ी पे कोई दो चार पांच लोग होंगे, अज्ञात लोग कोई आते, उन्होंने बाहर चालू कर दिया, चाकू से बार किए इस पर। उनने जो संग में एक इसका मित्र था, उनने घर पर फोन किया है तो घर से उसका बड़ा भाई पहुँचा है, उसका एक मित्र है बगल में ही रहता पड़ा, उसने उसको भी लेके पहुँचे हैं वो लोग वहाँ। जब ये दोनों पहुँचे तो उन लोगों ने इन दोनों पर भी हमला किया है, चाकू को बता रहे हैं, चाकू के घाव में सर ये लठिया वो रखती है, अभी तो कह देनी जानकारी, सात आठ लोग बता रहे हैं कम से कम। वहाँ छोटे भाई की डेथ हो गई है, आवास शर्मा नाम है, आवास का कॉलेज स्टूडेंट था, कहाँ पढ़ता था क्या? एक्चुअली वो क्या पंडिताई कर रहा था मथुरा वगैरह में, कॉलेज स्टूडेंट है, एमए कर रहा था संग में, तो अभी राखी पे आया हुआ था वो यहाँ ढोलीवा पुल पे रहते हैं ये लोग, पिताजी नगर निगम में है, योगेश शर्मा ये किलर के पे होंगे मतलब। हाँ, और दो लोग घायल, उनके क्या नाम है? एक का तो आयुष शर्मा नाम है लड़के का, और नहीं खत्म नहीं हुआ, बड़ा भाई है उसका आयुष शर्मा, और दूसरे का नाम बसंत है, बसंत गर्ग, बसंत गर्ग, उसके भी सीने में चाकू पड़ा है आयुष के, और पीछे पड़े हैं उसके दो तीन चाकू, और जो दूसरा लड़का है उसके भी सर में पड़े हुए हैं, और दो तीन जगह और है अभी। कारण कोई आपसे कोई विवाद नहीं है, ऐसा कोई रंजिश नहीं थी, पार्किंग वहाँ है ही नहीं है, पार्किंग का विवाद तो फालतू पता नहीं कहाँ से ये इशू आ रहा है, कोई पार्किंग का विवाद ही नहीं है उस जगह, लेकिन यह घटना बहुत ही निंदनीय घटना है, मतलब नाजुक बच्चा छोटा खत्म हो गया, बड़े भाई को भी जानकारी लगी है वो भी, नहीं नहीं कुंवारे थे दोनों, दो लोग भी शिनाख्त कर लिए, बच्चे ने भी इसको बताया, फोटो दिखाया है पुलिस वालों ने, उस रास्ते ने बताया कि ये लोग थे, अब ये तो इतना भी मतलब उसके भी, हाँ उसके भी हालत थोड़ी सी चिंताजनक ही है। कल रात को कटोरा ताल के पास में पार्किंग गाड़ी खड़ी करने वाली बात पे कुछ युवाओं ने विवाद करके एक युवक के साथ में मारपीट करी, उसके भाई और उसके दोस्त के साथ भी चाकुओं से मारपीट करी, जिसमें युवक की मृत्यु हो गई। उसके भाई आयुष शर्मा की रिपोर्ट पर से दो व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेक नगर में बताया गया कि आधा दर्जन लोग थे, लाठी डंडे सरिये, हाँ आधा दर्जन बल्कि आधा दर्जन करीब लोग थे, और उसमें दो लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, पुष्पेंद परियार और सौरभ खटीक व उसके अन्य साथी। क्या घटना के पीछे कारण कुछ आया है सामने? घटना के पीछे तब चूंकि वो घायल हैं, अभी उनके पूरे स्टेटमेंट नहीं हुए घायलों के, तो पूरे स्टेटमेंट होने के बाद क्लियर हो जाएगी घटना का। अभी आरोपी की तलाश जा रही है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।